मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? इसमें तुम वाकई अपना बच्चा हमें दे दोगी? जी, डॉक्टर ने कहा है कि इसको किसी पुरफजा मकाम पे लेकर जाएं। अच्छा तो फिर उसको मरी ले जाओ ना, वहाँ घर तो खाली पड़ा है, मैं अभी फोन कर दूंगी, वहाँ सफाई वफाई हो जाएगी। अभी मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा, मगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने अमेरिका जाने से पहले अस्मा से निकाह कर लिया था, वो मेरी बीवी है। क्या हल्फनामा? उसे पूछो कि वो एग्रीमेंट पे साइन करेगी कि नहीं। अगर वो कहती है हाँ, तो मैं अपने लॉयर से एग्रीमेंट बनवाऊंगा और उस पर उसके सिग्नेचर लेंगे। क्या बेवकूफी है ये, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए इस घर में अब कुछ बचा नहीं, दम घुटने लगा मेरा यहाँ पे। सुमन यहाँ बेटा। जी अब्बा जान। ये देखो, ये शहरयार लग रहा है ना? अरे ये तो शहरयार है, शहरयार, शहरयार। जाओ जाओ बुलाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ। शहरयार, शहरयार, तुम यहाँ? और तुमने मुझे बताया कि नहीं? तुम यहाँ? Hey young man, Hey uncle, what's up? ऊपर आओ। चलो। बजान संभाल के। शहरयार। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो। तुम अचानक यहाँ, बताया तक नहीं। वो मैं अभी अभी तो आया था, सोच रहा था सेटल डाउन हो जाऊं फिर आपको कॉल करूंगा। सेटल डाउन क्या मतलब? एक्चुअली होटल में बुकिंग की हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चेक इन कर लेता हूं, सामान वहां रख देता हूं, फिर आपसे। ये तो बड़ी ज्यादती होगी, हमारे होते हुए तुम जाके होटल में ठहरोगे? ये तो हमारी इज्जत और दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अंकल वो बात नहीं है, मैं सोच रहा था फजूल में आपको तकलीफ होगी। तकलीफ होगी हमें तुम्हारे यहाँ रहने से? भैया तो ज्यादती कर रहे हो, दिल दुखा रहे हो हमारा। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं भला आपको हर्ट कर सकता हूँ? मेरा तो ये मोटिव। अच्छा चले ठीक है, मैं यही रुक जाता हूँ। ये हुई ना बात, आओ आओ अंदर चलो, उठाओ अपने सामान। जी चलो अंदर चलो, आओ बैठो। जी अब आप खुश हैं?
आ गए यहाँ खाना खाने? ये तो तुम आसमां से पूछो। बताओ आसमां क्या खाओगे? जारा बीबी आप जो भी ऑर्डर कर लें मैं ठीक हूँ। ओफो अब एक प्लीज तुम मुझे जारा बीबी कहना छोड़ दो। तो फिर क्या कहूँ मैं आपको? जस्ट जारा जी। चलो सनी अब जल्दी से खाना ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। अच्छा यार भाई आओ। और आसमां आज तुमने पेट भर के खाना खाना है। ओके खाना नहीं खाओगे तो हमारा बेबी हेल्दी नहीं होगा। आसमां जी इतनी सर्दी में यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तो मैं से। अच्छा सुनो मैं तुम्हारी मेडिसिन नहीं आई हूँ। ये वाली जो है ना तुमने रोज सुबह उठ के एक खानी है और ये दोनों जो है रात को सोने से पहले वन ईच। जी। और रोज सुबह खानसामा तुम्हारे कमरे में फ्रेश जूस का ग्लास आएगा। यू हैव टू फिनिश इट और सोने से पहले एक ग्लास दूध का। सही है। अच्छा कमरे में जाके आराम करो ना, यहाँ ऐसे थक जाओगी। जी। अच्छा सुनो तुम्हारे कमरे में दूध का ग्लास रखवा दिया है, पिए बगैर मत सोना। ओके जी गुड नाइट। आसमां दूध पीना नहीं भूलना। उसको तो मैं समझा रही जैसे कोई बच्ची है। समीर छोटी तो है और फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं लगता उसको इतना सेंस है। अब हम गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ वैसे भी फायदा तो हमारा ही है ना, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी तो बेबी हेल्दी होगा, वरना आगे जाके 10,000 मसले हो जाते हैं। तो खुश हो? ओह समीर आई एम सो 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 हैप्पी। फादर से बाद में तुम्हें इतना खुश देखा। I'm glad I could do this for you. Thank you, समीर। मैंने तो बस एक मासूम बाकिरदार एक भोली भाली लड़की से मोहब्बत की थी। तो जब भी उसे मिलता था ना उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, उसका भोलपन उसे मेरे दिल में घर कर जाता था। और इसी तरह पता नहीं कब मुझे उससे मोहब्बत होगी, पर मोहब्बत भी इस कदर कि आज वो मेरे साथ है भी और नहीं भी, जिंदा हूं भी और नहीं भी। पता नहीं वो मुझे मिलेगी भी या नहीं। वैसे कितनी लकी थी ना वो। मुझे लकी होती उस तरह जुदा नहीं होती। कुदरत मोहब्बत करने वालों के दरमियान जुदाई डालकर उनके जज्बात को ही तो आजमाती है। ये कहना चाह रही हूँ कि उसका मुझसे इस तरह जुदा होना मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो सकता है। हो भी सकता है। I was walking down the street. Samru jo ladki nazar aayi mere ka. She goes, "Oh, I recognize you." I said, "Yeah, how do?" Samir, Samir, ek second. Asma, jaldi aao, jaldi, faster. Samir, ek second. Asma aa rahi hai, hame uska intezar karna hai. Yaar, usko saaf kyun lekar aati ho tum? Samir, I think tum bhool rahe ho. Hum bhi usi ki wajah se yahan aaye hain. Aur doctor ne usse kaha usse regular walk aur exercise ki zarurat hai. अच्छा यार ठीक है, अगर उसको एक्सरसाइज की और वॉक की जरूरत है ना तो वो किसी और मुलाजमा के साथ यहाँ आएगी वॉक करने, हमारे टाइम पे हमारे साथ वॉक नहीं करेगी वो। ओके फाइन, कल से नहीं लाऊंगी तुम्हें। नहीं, वो किसी और मुलाजमा के साथ आएगी यहाँ वॉक करेगी और हम अकेले वॉक करेंगे। यू गेट मी? मूड ऑफ कर दिया यार समीर। अच्छा ना
सुषमा जल्दी आओ। आप लोग चले, मैं आ रही हूँ। We are waiting. अगर तुम कह रही हो कि ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है तो फिर वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है? तेरे घर वाले कह रहे हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड थी और मुझसे भी शादी उसने सिर्फ न्यूयॉर्क में सेटल होने की लालच में की थी। मगर मैं जानता हूँ उसको, उस तरह की लालची लड़की नहीं थी। मेरा दिल नहीं मानता ये सारी बात। हो सकता है घर वाले गलत कह रहे हों। उसको एग्जैक्टली ऐसा ही लगता, उसको यही लगता है कि मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं मुझसे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे? सारी जिंदगी जिनको मैंने ट्रस्ट किया, जो मेरे अपने, वो इसीलिए तो मैं इस तरह दर बदर भटक के उसको ढूंढ रहा हूं। सिर्फ मुझे वो एक बार मिल जाए, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हकीकत क्या, अगर ये सब कुछ सच है तो उसने क्यों किया मेरे साथ ही? और अगर ये सच नहीं है तो पर सच क्या है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों को तो पता ना कि तुम यहाँ पर हो। मैं किसी को कुछ बता के नहीं आया, और प्लीज सुन, तुमसे कोई भी पूछे किसी को कुछ मत बताना कि मैं कहाँ पर। अच्छा, कसम से मुझे बहुत भूख लग रही है, जाके कुछ खाते हैं। चलें। फोन ऑफ है उसका, शायद उसे सिम चेंज कर लिया, पता नहीं क्यों ऑफ। जी जी, अच्छा ठीक है, अभी अभी नहीं पता, जैसे ही जी कुछ भी पता चले प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओ बेटा, कुछ पता चला मेरे शहरयार का? कोई खबर मिली या नहीं, कहाँ चला गया है वो? मैं पता कर रही हूँ अम्मा, अभी पता चल जाएगा, आप फिक्र ना करें। कहाँ चला गया मेरे बच्चे? नानू को बता के भी नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तबीयत खराब हो गई हो? ऐसा तो नहीं कहीं एक्सीडेंट? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अरे बच्चे, तू जानता है ना नानू तुझे कितना प्यार करती है, क्यों नहीं बता के गया मुझे तू? अरे पापा, आप हिम्मत करें, शहरयार मिल जाएगा इंशाल्लाह। उस लड़की के पीछे पागल हो गया। आप हिम्मत करें, आपको देख के तो हमें हिम्मत मिलती है। इस आसमान ने मेरे कलेजे पे हाथ डाला है, तुम देखना, इसे कभी सुख नसीब नहीं होगा। बस करे हो, बस हौसला रखे। हाँ भाई, खाना तो खा लिया, क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से तो घर चल के तुम आज मजे की कॉफी पिला दो हमें। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे हाथ की कॉफी तो अच्छी नहीं होती इसलिए। व्हाटएवर। आसमा चलो। जी आओ। तू करी मुझे शाम सहर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है।
कुछ खुशियों के चले जाने का डर लगता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब बेहतर है, सुंबुल इतना ख्याल जो रखती है मेरा। इसीलिए मैंने सुंबुल को आपके पास भेज दिया था, मुझे पता था वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। वैसे ही मैडम गायब कहाँ है, इतने दिन हो गए मेरी बात ही नहीं हुई। वो शहरयार के साथ जरा बाहर गई है। शहरयार के साथ? वो आप लोगों के पास है, कब आया वो अब्बा जान? दो दिन पहले ही आया है। क्यों, तुम लोगों को बताकर नहीं आया क्या? नहीं नहीं, बता के गया है, कह रहा था कि उसको नॉर्दर्न एरियाज जाना है, फिर मरी भी जाएगा। अच्छा 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 भजन, मुझे एक काम है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सुंबुल आ जाए तो कहिएगा मुझे कॉल कर ले। हाँ मैं कह दूंगा बेटा, और तुम भी जरा फरागत हासिल करके मुझे कॉल करना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। जी अब्बा जान, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर शहरयार सुंबुल के पास पहुंच ही गया। आपा को बताते हैं। आराम से, बहुत सर्दी हो रही है। बस गाड़ी दो मिनट में ही आ रही होगी। हाँ चलो आगे गाड़ी। हाँ चलो। अस्मा, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। अब तो आप खुश है ना, शहरयार मिल गया है, देखिएगा कितना खुश होगा वो और कितना सेहतमंद होगा जब वापस आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन है कि सुंबल उसका बहुत ख्याल रखेगी। अरे बेटा वो है ही बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की। अम्मा मैंने शहरयार के लिए सुंबल का इंतखाब करके अच्छा किया ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अल्लाह ताला उन दोनों को हमेशा खुश रखे। हाँ मैं उसे कॉल करती हूँ। ठहरे आपा, अभी उसे कॉल मत करें, पता चले उसे बुरा लग जाए और वो वहां से कहीं और ही निकल जाए। बिल्कुल सही कह रही है नाजिया बेटा, अरे तुम्हें उसका मिजाज तो पता है कैसा है वो, बल्कि वो खुद हमें फोन करे तो कहीं ज्यादा अच्छा है। नहीं करते। क्या हो गया आप फिर परेशान हो रही हैं? इतना काफी नहीं कि वो हमारे घर में है और सुंबुल उसके साथ है। अच्छा तुम सुंबुल से कहना कि वो बहुत ख्याल रखे। आप फिक्र ना करें, वो उसका बहुत ख्याल रखेगी। और मैंने अब्बा जी से कहा है कि वो जैसे ही वापस आए मुझे फोन करे, मैं उसे और भी समझा दूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा बच्चा खैरियत से। भाई मैं जरा दो नफल शुक्राने के पढ़ लूं। अरे ठहरे, पहले ये सेब खाएं, इतनी भी जल्दी क्या, खाइए। शुक्रिया भाई। सर्दी मजीद बढ़ गई है शहरयार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब्बा जान आप इतनी सर्दी में क्यों वॉक कर रहे हैं, खैरियत तो है? तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, आज सैर कुछ लंबी नहीं हो गई?
अंकल बस वो भक्ति जने का पता ही नहीं चला अब्बा जान। रास्ते में इसने कुछ खिलाया पिलाया भी या पैसों में कंजूसी कर दी? बिल्कुल नहीं अंकल, हमने तो बड़ी अच्छी जगह लंच और डिनर किया है। वी हैड अ वेरी गुड टाइम। अब्बा जान मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, गर्म करवा लूँ? नहीं बेटा, मैंने सूप पी लिया है, खाना नहीं खाऊंगा। तुम नाजिया को कॉल जरूर कर लेना, बार बार तुम्हारा पूछ रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि शहरयार यहाँ हमारे हमारी आया हुआ है। जी मैं कॉल करती हूँ। और मियाँ कैसी रही आज की तफरी? इट वॉज फाइन, बस थोड़ा थक गया हूँ। चलो अब तुम भी आराम करो। जी थैंक यू अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। शहरयार ने मुझे मना किया था कि उसका यहाँ आने का जिक्र आप लोगों से ना करूं, अगर अब्बा जान ने आपको बता दिया है तो अब्बा जान ने बिल्कुल ठीक किया। सब लोग यहाँ कितना परेशान है, नौरीन आपा का रो रो के बुरा हाल हुआ है। लेकिन आप ही शहरयार का मूड ये सुनते ही ऑफ हो गया था कि आप लोगों को उसका यहाँ आने का पता चल चुका है। शहरयार का मूड खराब हो गया? हाँ तो कोई बात नहीं सुमन, तुम उसका ध्यान कहीं और लगाओ। वैसे भी मैंने नौरीन आपा को मना कर दिया कि उसे कॉल ना करें। अच्छा किया आपने नौरीन आपा को फोन करने से मना कर दिया, मगर आप भी शहरयार अस्मा की वजह से बहुत इमोशनल हुआ है, उसकी याद से निकल नहीं रहा, बहुत डिस्टर्ब्ड है। पता नहीं आप ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसने अस्मा के बारे में तुमसे कोई बात की है क्या? नहीं आप ही, ऐसी कोई खास बात नहीं की उसने, बस ऐसे ही जिक्र किया था। मेरी बात गौर से सुनो सुनो, तुम शहरयार के दिलो दिमाग से अस्मा का ख्याल ऐसे निकाल दो कि जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। आप ही आप कैसी बातें कर रही, वो उसकी मोहब्बत थी और मोहब्बत को भुलाना कोई मामूली बात नहीं होती। अब तुम्हें इतना बड़ा दिल करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम शहरयार की साबिका मोहब्बत के बारे में सोचती रहो। अस्मा के बारे में सोचने से बेहतर है कि शहरयार के दिल में अपनी जगह बनाओ, उसके ख्याल को छोड़ो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि शहरयार अब सिर्फ तुम्हारा है? आप भी ना आप ही। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, हाँ शहरयार के बारे में बताती रहूंगी। ठीक है? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? समीर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे। आई मीन डोंट यू नो कि वहां के गायनी वार्ड्स और लेबर रूम का क्या हाल होता है, पेशेंट केयर कैसी होती है? मैं खुद नहीं चाहता कि उसकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम वहाँ जारा दुरानी के नाम से दर्ज हो जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो नाम दर्ज होता है ना वो ऑथेंटिक होता है, कोई उसमें शक नहीं करता। अब उसको एक दो बार हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, वहां लोगों को यही पता चलेगा कि ये मेरी बीवी है और ये जो बच्चा हो रही है हमारा है। हाँ कह तो तुम भी सही रहे हो, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हमारा सारा काम कानूनी तौर पे पक्का हो ताकि हमारे बच्चे को आगे जाके हमसे कोई छीन ना सके और सबको यही लगे कि वो वाकई हमारा बच्चा है। Exactly. अच्छा तुमने करना ये है कि तुमने उसको मनाना है कि वो मेरे साथ अकेली हॉस्पिटल जाए, इसलिए अगर तुम जाओगी तो लोगों को शक ना हो जाए ना, समझ रही हो ना तुम? मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे ही लगे कि वो मिसेस समीर दुरानी है, गेट मी? अच्छा हाँ करती हूँ मैं उससे बात, मना लूंगी मैं उसे। अरे अस्मा तुम, मैंने नाश्ता बना दिया और टेबल पर लगा भी दिया, आ जाए। तुमने नाश्ता बना लिया?
क्या जरूरत है तुम्हें ये सब काम करने की? मैंने तुमसे कहा है ना, तुम अपने आराम क्या करो, खानसामा है इन सब चीजों के लिए। आप मेरे लिए इतनी परेशान नहीं हुआ करें, मैं काम करती रहती हूँ ना तो मेरा जहन मसरूफ रहता है, मुझे टेंशन नहीं होती। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, वरना तुम बीमार हो जाओगी और फिर बच्चे को देखो इस वक्त तुम्हें अपनी सेहत का और बच्चे की सेहत का दोनों का ख्याल रखना है। अच्छा तुम बताओ, तुमने नाश्ता किया सुबह से? अस्मा अब तक नाश्ता नहीं किया, हद करती। अच्छा सुबह उठ के जूस पिया था? जूस भी नहीं पिया अस्मा। कहा है ना मैंने तुमसे, जूस पीना इस वक्त बहुत जरूरी है। अच्छा चलो चल के हम नाश्ता करते हैं। आ जाए समीर। हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा क्या बनाया नाश्ता में? अब्बा जान रुके, किधर जा रहे हैं आप? बेटे मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपनी रिपोर्ट से लेने के लिए। आपकी तबीयत मुझसे ज्यादा खराब है अब्बा जान, आप जाके आराम करें। तुम्हें भी बहुत फ्लू हो रहा है, इस तबीयत खराबी में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं खुद जाके अपनी रिपोर्ट्स ले आऊंगा। सिर्फ हल्का सा नजला जुकाम है अब्बा जान। लेकिन इस जरा से नजले जुकाम में भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं तो जाऊंगी, ये पर्चा मुझे दे, जल्दी करें। एक्सक्यूज मी, खैरियत तो आप कहाँ जा रहे हैं? बेटे मैंने हॉस्पिटल से अपनी ब्लड रिपोर्ट ले ली है और इज्जत करके जा रही है, मैं ठंड में नहीं जाने दूंगा इसको। देखो ना शहरयार, अब्बा जान जिद कर रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, रिपोर्ट्स लाऊंगा। बेटे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, मैं इसको इस सर्दी में नहीं जाने दूंगा। आप रिपोर्ट मुझे दे, मैं ले आता हूं जाके। अरे तुम्हें क्या पता कि हॉस्पिटल कहां पे है शहरयार? ये मुझे दो, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, मैं ले आऊंगा जाके। चलो मसला हल हो गया, न तुम न मैं। लो भाई थैंक यू, आई विल राइट बैक। चलो अब अंदर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही, छड़ी है मेरे पास, पिटाई होगी, चलो अंदर। पर जाना पीना। चलो चलो चल के आराम करो। जी जी नहीं जी, मैं कुछ अर्सा तो अभी इधर ही हूँ। हाँ मैं अभी यहीं रहूँगा। अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, लेकिन आप मेरे साथ चलती नहीं हो, फिर जिस तरह समीर साहब के साथ। नो समीर साहब नहीं, सिर्फ समीर, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से भी ना हमारा पूरा प्लान चौपट हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सुनो तुम्हें कौन सा बार बार अकेले हॉस्पिटल जाना है? सिर्फ दो तीन दफा की तो बात है, प्लीज समझो ना। ज़ारा क्या है, बिठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बिठाओ। कम ऑन, तुम्हें पता है समीर की तो स्टाइल है ये बात करें। हाँ चलो जाओ, शाबाश, गाड़ी में बैठो। अब अस्मा क्या कर रही हो, पीछे नहीं बैठना, तुमने आगे बैठना है। आओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, प्लीज बैठो। देखो प्लीज कोई गलती ना कर देना, ओके? पार्किंग उधर है, उधर गाड़ी ले जाए। यार बस एक मिनट में इनको लेकर जा रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, एक मिनट। भाई जान जी जल्दी करें, गाड़ी हटाइए, यहां पार्किंग करने की जगह नहीं। जल्दी करें, जल्दी करें। I'm so sorry. Are you all right? Are you okay? चोट तो नहीं है? Are you all right? Please खड़े हो। I'm so sorry. I'm so sorry. आपको चोट तो नहीं लगी? No, no. I'm all right. उसने मुझे इतनी जल्दी में मुझे कहा कि बाहर। I was going to. Are you all right? Yeah. I think मेरी गलती है, मैं किसी और सोच में आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है। आप देखिए आपको चोट लगी। I think आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। Why don't you come with me? आपको ये emergency में आपको tetanus के injection लगा। नहीं, it's all right. मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, you just stand here. मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ और आपको मैं खुद लेके जाता हूँ emergency में। इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। Okay. कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ।
समीर साहब कहाँ गए हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं किधर है। हेलो, कहाँ चला गया? हेलो सर, कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हो? इस तरह नहीं खड़े हो नहीं। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं अच्छा चलो अंदर जाओ। कहाँ चला गई आप? अब्बा जान आ गई बेटा। जी अब्बा जान, अल्लाह का शुक्र है आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त आई हैं। शुक्र है, ये करम है मेरे मालिक के, और ये सब तुम्हारी खिदमतों का नतीजा है। इतना ख्याल भी रखती हो मेरा। तो बेटियां तो होती है माँ बाप की खिदमत करने के लिए। इसीलिए बेटियां प्यारी होती हैं कि माँ बाप पे जान छिड़कती हैं। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, सदा सुखी रहो बेटा। एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। जी पूछिए अब्बा जान। शहरयार के सिलसिले में बात करनी है, अगर तुम मुझे सच सच बताओ तो। जी अब्बा जान। अब्बा जान बात क्या है, आपने खाना भी नहीं खाया। शहरयार के बारे में कुछ पूछना था तो पूछिए, बात करें मुझसे। क्या फायदा, पूछ भी लूं तो तुम सच तो नहीं बताओगी? क्यों सच नहीं बोलूंगी, एक दफा झूठ बोलकर अपनी अम्मी को खो चुकी हूँ। तो मुझे बताओ कि शहरयार आजकल किस ज़हनी कैफियत में है? मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में किस तरह दे सकता हूं जो अपनी जात से बेगाना है, हर वक्त गुमसुम खोया खोया गायब रहता है। क्यों पहचान, वो मौत से लड़के आया, आप उसको थोड़ा वक्त तो दें, वक्त ही तो मरहम होता है, आप जानते हैं ना इस बात को। बेटे ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन उसे तुम्हारी फिक्र है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। बाजान प्लीज हम इस टॉपिक पे कल बात करें। कल क्यों? क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दे। ठीक है। अच्छा इन बातों को छोड़े, आपके लिए कुछ लेकर आऊं, कुछ खाएंगे आप? चले कॉफी तो पी लेना। ओके ठीक है, मैं लेकर आती। मैंने अभी ईमेल की है, आई वुड लाइक यू टू जस्ट रीड इट एंड रिस्पॉन्ड राइट अवे बिकॉज वो मुझे जरा सी जल्दी है। थैंक्स, ऑलराइट, ओके बाय। जल्दी से पी लो गरम गरम कॉफी से पहले ठंडी हो। और हाँ सुनो, ये मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन है अस्मा की, प्लीज जाके ले आना। ओ यार ये काम भी मुझे करने पड़ेंगे। करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन बाप बनना इतना आसान काम नहीं। ओके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इंशाल्लाह जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तो हर वक्त ये काम लगे रहेंगे ना। और पता है कभी आधी रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो कितनी भागम दौड़ करनी पड़ती है,
मैं तो कह रही हूँ अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। यार ये बाप बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। बट इस बूट कैंप में आज से मैं दाखला ले लेती हूँ। लेकिन पहले कॉफी पी लो, उसके बाद सारी प्रैक्टिस। ओके हाँ हाँ ठीक। हाँ जारा, मुझे तो नहीं मिली दुबई वहां से, यहाँ मैं आगे जा रहा हूँ, ये चर्च के करीब एक दुकान है वहां से। अच्छा मैं करता हूँ तुम्हें फोन। अरे क्या हाल चाल है, कहाँ गए थे तुम? यार मैं उसे आया हूँ नीचे, तुम गायब हो गए, कहाँ चले गए थे? इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगवाए तुमने टेटनस, ये बताओ। जी जी लगवा लिया था, आई एम ऑल राइट नाउ, थैंक यू। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, कि बाहर से यहीं रहते हो तुम? अच्छा एक मिनट, यू मस्ट बी फीलिंग इनंडेटेड। मैं इसी तरह हूँ यार, मैं जरा बहुत ज्यादा सवाल कर जाता हूँ। नो नो इट्स ओके, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, यहाँ कुछ काम से आया था। मेरा नाम शहरयार है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। शहरयार नाम मेरी मामा को बहुत पसंद है, वो हमेशा से मेरे बेटे का नाम शहरयार रखना चाहती थी। फिर तो यकीन आपके बेटे का नाम शहरयार ही होगा। नहीं अभी तक तो नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, दुआ करो। ओके बेस्ट ऑफ लक। और तुम बताओ ना, शादी हो गई है, बच्चे हैं? यहाँ पे कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है, कॉफी पीते हुए बात करें। कॉफी सिर्फ मेरे घर की अच्छी है, अगर तुमने बेस्ट कॉफी पीनी है मेरे घर आओ। आई इनवाइट यू, कम।